हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कर्ण मिठे लोग 990। तो आज हम आ चुके हैं मुस्कान फॉर मेंटल चैलेंज चिल्ड्रन छन्नी रावा जम्मू में, जहां पे दस्ते मददगार की टीम जो आई है और इस समय जो कि मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन जो बेचारे मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन को उनको बांटने के लिए दस्ते मददगार की टीम जो है, देख सकते हैं ये आप इमरान शेख देख सकते हैं, इसके फाउंडर हैं। मेंटली देख सकते हैं चिल्ड्रन जो बेचारे मेंटली जो है उनके लिए हेल्प की जा रही है एनजीओ की तरफ से, दस्ते मददगार की टीम की तरफ से। इमरान शेख जिनके फाउंडर हैं, आप देख सकते हैं कि मदद की जा रही है सेब केले और भी बहुत किस्म के फ्रूट इनके लिए लाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी खंड मिठे लोग 990 तस्वीर में इमरान शेख खुद जो है बांट रहे हैं, देख रहे हैं आप, और उनकी टीम भी साथ में लगी हुई है। आराम से आप देख सकते हैं खंड मिठे लोग 990 के माध्यम से। ये देखिए मेंटली राइट चिल्ड्रन हैं, तो इनको ना बोल सकते हैं ना ये सुन सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इज्जत वाला काम और बहुत ही अच्छा काम। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमरान साहब और इनकी टीम दस्ते मददगार जो है वो इनकी हेल्प कर रही है। देखिए कितने आराम से, कितना सवाब का काम भी है ये एनजीओ दस्ते मददगार। पिछले कुछ टाइम से ऐसे ही लोगों की मदद करते आ रही है, गरीब लोगों की मदद करते आ रही है। जो आप देख सकते हैं इस समय इमरान साहब खुद जो है केला खिला रहे हैं, क्योंकि ये खा नहीं पा सकते, इनको समझ नहीं है, अकल नहीं है। तो ये खुद बड़े प्यार से इंसान हो तो ऐसा हो, इमरान शेख जैसा हो, और इनकी जो तंजीम एनजीओ है दस्ते मददगार बहुत ही अच्छा काम कर रही है, चाहे वो गरीबों में कंबल बांटना, चाहे वो फ्री में हेलमेट बांटना, चाहे वो फ्री में कपड़े बांटना, चाहे वो हर हिसाब का ख्याल रख रही है। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को साथ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि ये मैसेज और भी लोगों तक पहुंचे और वो ऐसे लोगों की हेल्प करें। आप देख सकते हैं बनाना खुद इमरान शेख साहब इनको खिला रहे हैं। ये बच्चा ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है। देखिए कितना ही सवाब का काम है ये, रब इससे बहुत खुश होता होगा। ये जो इन्होंने काम शुरू किया है काफ़ी अच्छा, ये बिना मज़हब बिना मिल्लत ये कोई मज़हब नहीं देखते, ये सिर्फ अपना काम देखते हैं। और बहुत ही देख सकते हैं आप किस तरह से ये जो मेंटली और चिल्ड्रन हैं और जो ना बोल सकते हैं, जिनको कई बीमारियां भी हैं और अंधे भी हैं, गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं, इमरान साहब उनको सहारा भी देते हुए और बहुत प्यार से बात भी इनसे इनको खिला रहे हैं। आप देख रहे हैं नया खंड मिठे लोग 990 चैनल के माध्यम से। तो ये देखिए ये भी टीम के मेंबर हैं, और ये देखिए मैडम जो यहाँ की हैं उनसे बात कर रहे हैं इमरान शेख साहब, आप देख सकते हैं बात कर रहे हैं। तो आगे से हम इंशाल्लाह बता रहे हैं कि हम और भी आएंगे और भी ऐसी मदद करके जाएंगे और हमेशा ही करेंगे। तो आप देख सकते हैं दस्ते मददगार देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि बच्चे भी बाय कर रहे हैं और दस्ते मददगार टीम भी बाय कर रही है, यानी कि इंशाल्लाह। तो आप देख, अब हम इमरान भाई से वेलकम टू माय चैनल खंड मिठे लोग 990। तो आज हमारे साथ दस्ते मददगार टीम के फाउंडर इमरान शेख साहब मौजूद हैं, तो आइए हम इनसे बात करते हैं। आज ये मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन के पास क्या करने आए थे, और ये आए दिनों भी
काफ़ी जो लोगों की, गरीब लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब या मिल्लत को नहीं देखते, तो सिर्फ इनका काम है मदद करना। तो इमरान साहब, सबसे पहले आपका और आपकी टीम दस्ते मददगार का स्वागत है खंड मीठे लोग 990 में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खंड मीठे लोग, और अपनी टीम का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ दस्ते मददगार की टीम का। तो आज हमने विज़िट किया है यहाँ पे, जो आपने अभी आप जो दिखा रहे हो हमें, तो अंदर जब हमने विज़िट किया, हम कुछ फल वगैरह लेके आए थे, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जैसे मैंने इससे पहले भी बोला था, दस्ते मददगार की टीम को चलाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि जो हमें योगदान में मदद करते हैं उनको हमेशा ऊपर वाला सलामत रखे। और जैसे ही हमने ये विज़िट किया तो वहाँ पे हमने देखे कुछ बच्चे मेंटली फिट नहीं थे, तो हम जैसे गए वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक हादसा था वहाँ पे। अपनी जगह फील भी हुआ कि इससे पहले हमें पता क्यों नहीं चला इसके बारे में, तो हमने इससे पहले भी विज़िट किया होता। चलो, हमारी खुशकिस्मती की बात है, हमारी टीम की खुशकिस्मती की बात है कि हम यहाँ पर पहुँचे, विज़िट किया और कुछ जो फल फ्रूट वगैरह है वो डिस्ट्रीब्यूट किए। हमारे यही कोशिश रहेगी, हमारी टीम की यही कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह ताला अगली बार जब भी कोई विज़िट होगा, हम अच्छी तरीके से तैयारी करके आए यहाँ पे। और मैं तमाम उन एनजीओ से और तमाम उन ट्रस्टों से अपील करना चाहता हूँ कि आप भी आ जाए यहाँ पे, विज़िट कीजिए आप यहाँ पे, और जो भी आपका योगदान होगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जी इमरान भाई, कभी आपको हम देखते हैं कि कभी लंगर लगाते हैं आप, कभी हेलमेट मुफ्त में तकसीम करते हैं, लंगर मुफ्त में तकसीम करते हैं, कभी और चीज़ें, कभी कंबलें, कभी कपड़े, गरीब लोगों की इतनी मदद, आखिर इसके पीछे क्या राज है? बस इसके पीछे लोगों का प्यार है। सब लोग जो चाहते हैं कि हमारा जो ये टीम है ये काफ़ी आगे बढ़े। जैसे मैंने अभी बोला था आपको, हमारी टीम को योगदान करने में बहुत सारे लोगों का हाथ है, ऊपर वाला उनको हमेशा सलामत रहे। और यही तो एक इंसानियत है कि हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो हमें भी दिल को सुकून मिलता है। हम हमेशा उस इंसान से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आओ इन जगहों पे आप भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, जो भी आपका योगदान वगैरह है वो जिन जगहों पे ज़रूरत होगी वहाँ पे जाइए आप। इसमें ऊपर वाले की एक आप लोगों को ऊपर वाले की मदद से एक अच्छी दुआ भी मिलेगी, और जिन लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है उनकी दुआएँ भी आपको लग जाएगी। जी जी, तो आने वाले वक्त में क्या दस्ते मददगार ऐसे ही लोगों की मदद करते रहेगी, कोई मज़हब ना मिलत देखे बिना? हमारी जो ये टीम है दस्ते मददगार की, ये इसमें हर कोई मज़हब का इंसान है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग जुड़े हुए, तभी तो भाईचारा कायम है। बिल्कुल, अगर हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, चाहे हम कभी अमरनाथ यात्रा का हमने वेलकम किया था, चाहे बुक्स, चाहे हेलमेट, चाहे कहीं पे भी जगह पे जाते हैं, तो हम में ये मज़हब वगैरह का भेदभाव नहीं है, हम में सब लोग जुड़े हुए हैं। और मैं ऊपर वाले से हमेशा दुआ करूँगा कि जिस तरह से हमारी टीम काम कर रही है, कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस तरह के काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये जो सिलसिला है ये हमेशा कायम रहे। जी, अगला आपका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर वाले ने नसीब में लिखा होगा, वो सिलसिला आगे चलता रहेगा, रुकने का नाम कभी है ही नहीं। अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम इस टीम को डिस्टर्ब करेंगे, इमरान को डिस्टर्ब करेंगे, किसी और इंसान को इस टीम में डिस्टर्ब करेंगे, किसी और इंसानों को बोलेंगे कि भाई इस काम में, इस टीम में काम मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इमरान शेख के बगैर भी और भी लोग काम में दिलचस्पी ले रहे हैं इस टीम में, ठीक है ना, एक इमरान शेख अगर काम नहीं करेगा, और भी कुछ लोग हैं, और भी ये ट्रस्ट जो है ये काम है इंशाल्लाह ताला हमेशा करता रहेगा, किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना सर। ये जो सिलसिला है हमेशा कायम रहेगा इंशाल्लाह ताला, हम किसी के ना किसी से डरते, हम खाली ऊपर वाले से डरते हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा लोग डिस्टर्ब भी कर रहे हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों से, ठीक है ना। चलो, साथ देने वाला ऊपर वाला है, हम उस ऊपर वाले की ऊपर वाले पर भरोसा रखते हैं, यही हमारा ईमान। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान शेख साहब। ये थे हमारे साथ इमरान शेख साहब, दस्ते मददगार फाउंडेशन के, जम्मू की जो हर गरीब की ज़ुबान पे आज एक ही नाम है, दस्ते मददगार, दस्ते मददगार, और इसके फाउंडर इमरान शेख साहब जो गरीबों की मदद हमेशा 24/7 करते हैं। तो हमारी रब से यही दुआ रहेगी कि अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, ताकि ये और लोगों की मदद कर सकें। ऐसे ऐसे लोग और भी होने चाहिए
जो ये आपसी भाईचारे के लिए भी बहुत काम करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, तो खंड मिठे लोग 990 से बात करने के लिए। तो प्लीज़ अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, और ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुँचे। खंड मिठे लोग 990।